चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम से टच कर सकते हैं और यहाँ से बहुत सारे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, बेटर से आप समझते चलिएगा और गारंटी ठोकता हूँ कि 5 से 10 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे। देखने में 7-8 ही क्वेश्चन होंगे लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। रैखिक समीकरण पहले कहते किसे हैं? देखो, आपको जब समीकरण पढ़ाया गया होगा चाहे जब बहुपद पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, मतलब एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है आपको पता भी होगा। रैखिक बहुपद का मानक समीकरण ax + b होता है। अगर इसको समीकरण मानेंगे तो बराबर में 0 लेकर चल देंगे तो बोले कि यहां पर x का, x में जो चर होता है, चर कौन है, xy z, यहां पर चर लेकर चलेंगे। यहां पर चर के घात कितना छुपा है, एक छुपा है। तो वही क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या कितनी होती है। तो बाबू कितनी होती है, एक होती है। रैखिक का मतलब एक घात वाला में एक ही वो चर होगा, ठीक है, एक ही वो चर होगा। और साथ में और वही द्विघात बहुपद आ जाएगा। द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो उसमें 2 चर आएगा और वहां पर अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। वही बोले यहां घातों की संख्या बता रहा है, चर नहीं पूछ रहा। चर जो होता है ना उसके घातों की संख्या होती है। अब द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। अगर इसको समीकरण बनाएंगे तो बराबर में 0 लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। वैसे ही त्रिघात बहुपद का मानक समीकरण ax³ + bx² + c = 0। यहाँ x का अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो भाई समझने वाली सब बातें हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद पूछेगा, चाहे एग्जाम में कई बार पूछा है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, चाहे एक घाटी बहुपद कहते हैं, चाहे रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। ये बात लिखना, उलट पलट के पूछेगा तो रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या कितनी होती है बुआ, 1 होती है। और द्विघात समीकरण में पूछेगा तो 2 होती है, त्रिघात में पूछेगा तो 3 होती है। अगला क्वेश्चन, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। अक्ष के बारे में भाई आप पढ़े भी होंगे, अक्ष के बारे में, ये ऊपर वाला वाई मतलब जो लंबा जो होता है वाई अक्ष, जो क्षैतिज काटता है उसको एक्स अक्ष कहते हैं। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश होता है, इतना तो आपको पता ही होगा ना। ये एक्स अक्ष जो क्षैतिज है उसको एक्स अक्ष, जो लंबवत अक्ष है उसको वाई अक्ष कहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन देखो, अगर यहां से क्वेश्चन देखेंगे तो पूछेगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो एक कटान बिंदु आता है ना, इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्वेश्चन ये भी किया है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 होता है। हाई जो मूल बिंदु है ना, इसका निर्देशांक 0-0 होता है। क्या होता है, 0-0 होता है, याद रखना। हाई जो एक्स अक्ष होता है ना, इसको भुज भी कही जाती है, और जो वाई अक्ष होता है ना उसको कोटि भी कही जाती है। क्वेश्चन देगा आपके एग्जाम में 3.4, आप पूछेगा इसमें भुज का मान क्या होता है, तो एक्स वालों को भुज और वाई वाले को कोटि कहते हैं। एक्स वाले को क्या बोलेंगे, भुज कहेंगे, और वाई वाले को क्या बोलेंगे, कोटि कहेंगे। बाबू ये बात याद रखिएगा। तो पहले का एक्स अक्ष है, दूसरा का वाई अक्ष है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो बोलेगा 3.4 में कोटि का मान कितना होगा, तो कोटि दूसरा का होगा क्योंकि वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो यहां कोटि का मान 3 हो जाएगा। अब वही भुज का मान पूछेगा तो भुज का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर अक्ष की और हम लोग बात करते हैं, अक्ष की, तो मालूम है हाई वाला चिन्ह प्लस, हाई वाला चिन्ह प्लस, हाई वाला माइनस, ये वाला प्लस, मालूम है। एक्स अक्ष वाला जो होता है उसमें प्लस माइनस भी होता है, वाई अक्ष वाला भी प्लस माइनस होता है। तो हाई दोनों प्लस प्लस होता है, तो इसका लेकर चलेंगे चिन्ह, तो एक्स अक्ष का जो प्रथम चतुर्थांश होता है ये प्रथम हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि वाई अक्ष और वाई अक्ष एक्स अक्ष मिलकर चतुर्थांश को 4 मतलब जो पाद होता है, जो मतलब मार्ग होता है, उसको 4 भागों में बांटता है। ये प्रथम, दूसरा का, ये तीसरा का हो जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा आपका, मतलब ये कितना चौथा पाद हो जाएगा, चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। किसी भी चीज को एक्स अक्ष वाई अक्ष 4 भागों में बांट देते हैं, तो जो प्रथम पद होता है उसका चिन्ह प्लस प्लस होता है, और दूसरा का में माइनस प्लस चलता है, क्योंकि भाई हाई वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है। तो पहले एक्स का लिखना पड़ेगा, तो माइनस और फिर प्लस, ठीक है ना। और यहां पर देखेंगे हाई एक्स अक्ष प्लस वाई अक्ष, एक्स अक्ष माइनस, वाई अक्ष भी माइनस होता है, तो इसका निर्देशांक माइनस माइनस होता है। और यहां पर लेकर चलेंगे तो एक्स प्लस होता है, वाई क्या होता है, माइनस होता है। तो एक्स को पहले लिखेंगे वाई, अब माइनस लिखेंगे। कहने का मतलब है कि प्रथम प्रथम पद का निर्देशांक किस रूप में, प्लस प्लस में होगा, यानी प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश का होता है, माइनस प्लस किसका, सेकंड का होता है, माइनस माइनस तृतीय का होता है, मतलब थर्ड का होता है, और प्लस माइनस चिन्ह किसका होता है, चौथे चतुर्थांश का होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन किया 4, -5 किस चतुर्थांश में आते हैं,
चार कॉमा माइनस फाइव किस चतुर्थांश में आता है, चिन्ह देखना पड़ेगा, इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, तो चार कॉमा सॉरी इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ आपका प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस किस चतुर्थांश में आता है, चौथा में आता है, तो इसका आंसर चौथा में लगा देंगे। सब समझने वाली बात है। हम लोग आते हैं वाई अक्ष का समीकरण पूछ रहा है। देखो जो वाई अक्ष होता है इसका समीकरण, तो वाई अक्ष का जब समीकरण पूछेगा ना तो वहाँ एक्स का मान जीरो हो जाता है। क्या होता है? एक्स का मान जीरो, यानी वाई अक्ष का जो समीकरण होता है वो एक्स बराबर जीरो होता है। अब वही पूछता है एक्स अक्ष का समीकरण क्या है भाई, तो वो हो जाता है वाई बराबर जीरो। याद रखिएगा, तो यहाँ पूछ रहा है वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो भैया एक्स बराबर जीरो होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन करता है एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो एक्स अक्ष का पूछ जाता है वाई बराबर जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है नाइन टेन स्क्वायर अल्फा माइनस नाइन सेक स्क्वायर अल्फा बराबर वन। आई तो क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब ऑप्शन आपके पास चार है, कौन सा टच करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपका है कि नाइन टेन स्क्वायर अल्फा घटाओ नाइन सेक स्क्वायर अल्फा। भैया यहाँ से हम लोग नाइन कमन लेंगे तो यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा घटाओ सेक स्क्वायर अल्फा, इतना तो बच सकता है। हई सूत्र होता है टेन स्क्वायर अल्फा घटाओ सेक स्क्वायर अल्फा का सूत्र होता है। समझ में आया? क्या होता है? सूत्र होता है। आ याद रखने वाली बात है, आप समझिएगा ध्यान से, सूत्र यहां से क्या होता है, सूत्र हाई होता है, सेक स्क्वायर अल्फा घटाओ टेन स्क्वायर अल्फा का सूत्र होता है। क्या होता है? ये सूत्र होता है। इस समझने वाली बात आ जा रही है, याद रखना, टेन स्क्वायर अल्फा घटाओ सेक स्क्वायर अल्फा का सूत्र नहीं होता, सूत्र होता है टेन स्क्वायर अल्फा घटाओ टेन सॉरी सेक स्क्वायर अल्फा घटाओ टेन स्क्वायर अल्फा का मान होता है वन। यहाँ पर उलट दिया, इसी कारण से हम माइनस कमन लेंगे ना तो अभी प्लट हो जाएगा, साथ में माइनसो कमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस नाइन कमन लेंगे तो सेक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा घटाओ, यहाँ से जब माइनस नाइन कमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ टेन स्क्वायर अल्फा। आप पढ़े सेक स्क्वायर अल्फा घटाओ टेन स्क्वायर अल्फा, मतलब अल्फा की जगह थीटा भी लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान वन होता है। यहां से अगर खाली नाइन कॉमन ले रहे थे ना बुआ, तो यहां पर टेन पहले चली आ रही थी, और ऐसा कोई सूत्र होता नहीं है, इसी कारण से माइनस नाइन में कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? माइनस नाइन कॉमन ले लिया। अब यह सूत्र हो गया, इसका मान एक हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा? माइनस नाइन। आपको ऑप्शन देखिए कौन सा टच कर जा रहा है, इसमें माइनस नाइन बी टच कर जा रहा है, तो दिमाग लगाने वाली चीज ये सब होती है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब आप ही सोचिए, मान लेते हैं कि हई हमारा वृत्त है, ठीक है ना, अब इस पर कितनी स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है? जो वृत्त को स्पर्श करे, तो ऐसे बहुत सारे स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं, यानी अनंत आप कह सकते हैं, यानी एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत। लेकिन याद रखिएगा, अच्छा मान लेते हैं, यहाँ पर इस चीज को मैं मिटकाता हूँ, हटे इस चीज को, देखो अच्छा मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग समझिए, अगर ध्यान दीजिएगा ध्यान से, हम लोग देख रहे थे कि ये वृत्त है, तो इस वृत्त पर स्पर्श रेखा बहुत सारा हम लोग खींच सकते हैं। आप वृत्त की कुछ चर्चा करना चाहूँ तो समझिए ध्यान से, जब वृत्त को कोई रेखा दो भागों पर काटती है तो उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, लेकिन जब वही कोई रेखा केंद्र से होकर गुजरते हुए वृत्त को दो भागों में काटती है तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं, लेकिन वृत्त को जो दो भागों में केंद्र छोड़कर कहीं और काटती है तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। अब वृत्त से जब कोई रेखा स्पर्श करती है तो उस रेखा का नाम स्पर्श रेखा होता है, और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु का नाम स्पर्श बिंदु होता है। यह वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कि वृत्त को जो दो बिंदु पर स्पर्श करेगी, जो दो बिंदु पर काट कर निकल जाती है उस रेखा को छेदक रेखा, तो हई वाला रेखा छेदक रेखा होगा, लेकिन हई केंद्र से होकर गुजर रही है तो व्यास हो जाएगा, और ये जो वृत्त को स्पर्श कर रही है इसको स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु पर स्पर्श करिए उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखो अच्छा मान लेते हैं हई आपका वृत्त है, आई कोई बाह्य बिंदु ले लिया यहाँ से, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और खींच सकते हैं का नहीं, तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा? दो स्पर्श रेखा। बुआ कितनी स्पर्श रेखा? दो स्पर्श रेखा वल्ली खींची जा सकती है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा अनंत खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। अब बाह्य बिंदु की बात आ गई, वही कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना वृत्त पर तो दो होगा, अभी तो मैंने आपको समझा भी दिया था। इसका ऑप्शन कौन सा टच कर लेंगे? सी, आपको ऑप्शन दो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, आप समझिए कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, आपको ये बताना है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। बाबू मैथ पढ़ना इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो? मैथ पढ़ना गर्लफ्रेंड को मनाने के बराबर है। जब कोई गर्लफ्रेंड रुक जाए ना तो उसको मनाने के बराबर होता है। मैथ में बड़ी दिमाग लगाना पड़ता है। शुरू शुरू में किसी कोई बॉय है, कोई लड़की को, गर्ल्स को पटाना चाहता है तो बहुत दिमाग लगाया कि कैसे मैं उसको इंप्रेस कर लूँ। जैसे नई साल आ गई है, नया साल आ चुका है, नया साल में सब चाहेगा कि मैं किसी ना किसी को इंप्रेस करूँ, और सबको ग्रीटिंग कार्ड देना चाहेगा। बाबू मैं अभी ग्रीटिंग कार्ड की ओर आपको नहीं भगाना चाहूंगा,
मैं बस आप ये सिद्धांत रखिए कि इस नए साल में हम किसी गर्ल्स के पीछे नहीं भागकर हम गोल के पीछे भागेंगे और अपने जीवन में गोल को अचीव करेंगे। अरे जो गर्ल्स के पीछे भाग रहे हैं, जो बॉय के पीछे भाग रहे हैं, जो ग्रीटिंग कार्ड के पीछे भाग रहे हैं, उनको भागने दीजिए। और आप बोलिए इस बार कि तुम इस नए साल में गर्ल्स के पीछे भागते रहो, बॉय के पीछे भागते रहो, मैं अपने लाइफ बनाने के पीछे भागूंगा। ये नए साल मेरे लाइफ बनाने के लिए है और इस पिछले वाले साल में मेरे संग जो हुआ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हुआ सो हुआ, मैं उसको भूल जाऊंगा। और इस बार मैं गर्ल्स और बॉय के पीछे नहीं, गोल्स के पीछे, अपने सक्सेस के पीछे, अपने लाइफ को बनाने के पीछे भागूंगा। ये नए साल में प्रण करके चलिए। ये नहीं कि ग्रीटिंग कार्ड लिखने के चक्कर में चल दिए, साड़ी लिखने के चक्कर में कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं। अरे बकलोल, कहीं के साल दो साल के बाद लिख सकता है, जब तू लाइफ में कुछ बन जाएगा ना उसके बाद लिखते रहना। अभी लाइफ में अपने आप को बनाने पर काम करो। ये नए साल में ग्रीटिंग कार्ड नहीं, नए साल में ग्रीटिंग कार्ड नहीं, आपको ग्रीटिंग कार्ड अपने लाइफ को बनाने पर लिखनी है कि आज से साल भर के बाद मुझे क्या बनना है, ये फोकस करके चलनी है। ये नहीं कि साल भर के बाद कोई गर्लफ्रेंड होगा और साल भर के बाद नहीं पढ़वा तो एको नहीं मिली, लेकिन साल भर के बाद आप पढ़ ले, साल भर दो साल बने से पढ़ लेंगे ना, हजारों गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड आपके आगे पीछे घूमेंगे। इसलिए नए साल में ये मत सोचो कि कितने गर्लफ्रेंड को ग्रीटिंग कार्ड देना, कितने बॉयफ्रेंड को ग्रीटिंग कार्ड देना है, बल्कि ये सोचो कि ये आपका जो साल का ये जो एक दिन है ये भी कम हो गया, एक साल भी आपका कम हो गया, और इस साल में मैं अपने आपको बनाकर चलूंगा। ये अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए। गर्ल्स बॉय और ग्रीटिंग कार्ड देने के पीछे मत भागिए, अपने लाइफ को मजबूत करने के पीछे भागिए। अगला देखो क्वेश्चन, हम लोग कहां थे बुआ, कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या बाबू। देखो अभाज्य संख्या कहते किसे है, व्हाट इज प्राइम नंबर, क्या है प्राइम नंबर यार। देखो व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा नंबर होता है एक ऐसा नंबर होता है जिसमें क्या होता है ना कि संख्या एक और अपने आप से ही लगेगी, किसी और से नहीं लगेगी भाई, अपने से लड़ेंगे और एक से लगेंगे, मतलब अपने आपे से लगेंगे और एक से लगेंगे, बीच में कौन आएगा ना तो उसको खत्म कर देंगे साफ, लड़ने वाले नहीं है। प्यार एक ऐसा मतलब पुख्ता सबूत है ना जिसमें इंसान पूरी दुनिया से लड़ जाता है और ना मिले तो वो बुरी तरह से हार भी जाता है। मतलब देखो तो हम लोग है ना निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर पूछ रहा है, कौन सी अभाज्य संख्या। तो बाबू अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें एक और अपने आप से ही भाग लगती है। अच्छा 27 है, 27 में एक से भाग लगेगा तो लग जाएगा, इसमें तीनों से भाग लगेगा, 9 से भाग लगेगा और 2700 भाग से भाग लग जाएगा, तो अभाज्य संख्या ही नहीं कहता है, अभाज्य संख्या कहता है कि एक से अपने से लगेंगे, तो एक से और 2700 से इसमें भाग लगनी चाहिए, लेकिन इसमें तीनों से 9 से लग रहा है, इसका मतलब 27 अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करते हैं 35 की, तो 35 में एक और 35 से लगनी चाहिए, इसके अलावा लगेगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखो 35 में 5 से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा, इसका मतलब 35 भी अभाज्य संख्या नहीं है। बात करते हैं 13 ऑप्शन सी की, 13 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो बुआ देखो 13 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें एक से और अपने आप से ही भाग लगेगा। इस 13 में आपका एक से भाग लगेगा, 13 ही से भाग लगेगा, इसमें 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12 किसी से भाग नहीं रहेगा, डायरेक्ट 13 से भाग लगेगा। इसका मतलब इसमें अभाज्य संख्या कौन है आपका, सी नंबर से हो जाएगा 13। ये 56 नहीं है क्योंकि इसमें 4 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 14 से भाग लगेगा, 2800 से भाग लगेगा, इस कारण से 56 नहीं, तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्वेश्चन तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, बस फोकस करना है, बस फोकस करना है, एक चीज में बस यही आपको फोकस कराते रहता हूं बुआ। एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करो एग्जाम निकल जाएगी, और ऑनलाइन क्लास तो मुझसे आप पढ़ाई करिए ना, सब आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। 100 में 100 उठाना है तो मेरा क्लास करते रहिए। देखो बिंदु पी 6, -5 का भुज क्या होगा, अभी बताया था भुजा कोटि की जानकारी आपको दिए थे, जो x अक्ष होता है उसको भुज कहते हैं, y अक्ष होता है उसको कोटि कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बिंदु 6, 5 तो पहले का x अक्ष होता है, दूसरा का मैं क्या होता है y अक्ष होता है, तो x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि बिंदु 6, -5 का भुज क्या होगा, तो भुज 6 हो जाएगा और कोटि पूछता था -5, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा टच कर लेंगे, ऑप्शन ए टच कर लेंगे, ऑप्शन ए में 6 दिया है तो ऑप्शन ए आपको टच कर लेना। भुज पूछ रहा है तो 6 पहले का बिंदु भुज होगा, दूसरा का बिंदु कोटि होता है, ठीक है ना, यही कोटि पूछता तो -5 पर टच करते। अब अंतिम क्वेश्चन, बिंदु 2, 3 स्थित है, किस पाद में स्थित है आपको ये बताना, ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब भैया आपको पाद की जानकारी दे दी है कि प्रथम पाद में चिन्ह होता है ++, द्वितीय में -+, तृतीय में -+ और चौथा में होता है +-। अब बात करते हैं चिन्ह क्या दिया है, 2 का भी चिन्ह प्लस है, 3 का भी चिन्ह प्लस है, इसका मतलब ++ है। अब ++ किस में आता है, प्रथम पाद में, ऑप्शन कौन सा टच कर लेगा, प्रथम पाद में, देख रहे ना। एक चीज बता रहा हूँ आपकी, आगे का सारा डाउट क्लियर हो जा रहा है, तो सारी बात आपको बेटर समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।